नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ टीवी में। आपके साथ मैं हूँ यशी दुबे। जिन नन्हे हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए थी, उन हाथों ने धुएं का दामन थाम लिया है। इस बदबूदार चीज को ये अपने पास रखकर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इन्हें क्या पता ये मौत को गले लगा रहे हैं। इन बच्चों की जिंदगी अंधेरे में खोती जा रही है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप खुद जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। सच्चाई बयां करती तस्वीरें, रात के अंधेरे की डरावनी तस्वीरें, रात में होता गुनाह तस्वीरों में कैद, अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करते बच्चे, खतरे में देश का भविष्य। अरे कोई तो रोक लो इन नन्हों को। क्या कभी आपने सोचा है कि ये नशे का काला कारोबार किस हद तक अपने पैर पसारता जा रहा है और लोगों को इस बात की भनक तक नहीं लग रही। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को और इन तस्वीरों में मौजूद बच्चों को, कैसे ये नशे के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। इन नन्हे मासूमों के हाथ में जहां किताब और कलम होनी चाहिए थी, वहीं आज ये बच्चे नशे में डूबते दिखाई दे रहे हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। जिसका नतीजा है कि देश का भविष्य आज के समय में नशे की गिरफ्त में जाता दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ क्षेत्रों में, आउटर क्षेत्रों में नशे की ज़्यादा बिक्री और लोगों का लेने का स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया है। लोग आज भी नशा, चाहे वो दवाइयों के रूप में है, इंजेक्शन के रूप में है, या वो आज वो सफ़ेद वाला नशा जो काशीपुर में घुस चुका है, स्मैक जिसे बोलते हैं, वो भी, क्योंकि मैं देखता हूँ काशीपुर आए दिन थाने में 3 पुड़िया 4 पुड़िया पकड़ी जा रही हैं। इसका मतलब ये बहुत होशियार लोग इस काम धंधे में लिप्त हैं, जो अक्सर 4 या 6 पुड़िया पकड़वा कर इतिशीरे कर पुलिस के रिकॉर्ड को भी बना लेती हैं और अपना काम भी बखूबी जारी रखी हुई हैं। ऐसी लोगों को चिन्हित करके इस समाज को हमें बचाना होगा। काशीपुर में नशे का काला कारोबार जोरों से फल फूल रहा है। आलम यह है कि काशीपुर में कटोरा ताल, बांसवाड़ा, टांडा, उज्जैन, आवास विकास, मानपुर रोड, गिरिताल सहित अन्य जगहों पर आसानी से नशे का सामान लोगों को मुहैया कराया जा रहा है, जिसके चलते युवाओं के साथ साथ नाबालिग भी आसानी से नशे का सामान खरीद कर अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। नशे पर रोक लगाने के लिए कई बार स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग भी की, लेकिन स्थानीय प्रशासन की लापरवाही का नतीजा ही है कि नशे के कारोबारी निडर होकर खुलेआम नशीला पदार्थ बेच रहे हैं। माँ बहन बहुत परेशान है अपने आदमियों से, इसमें एक पी रहे हैं, बहुत परेशान है बच्चे उनके, और इससे आने वाली नस्लों को भी बहुत परेशानी हो रही, समझे साहब, और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हालांकि प्रशासन को समझना चाहिए इस बात के लिए, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। जहाँ तहाँ लोग परेशान हैं, कोई इधर पड़ा कोई उधर पड़ा, नशे ने इतना डुबो दिया इंसान को कि वो अपने कामों काज को भी भूल गया। लिहाजा हम ये चाहेंगे कि इस गंदगी को शहर से दूर करें। काशीपुर में खुलेआम बिक रहा नशे का सामान लोगों के घरों को बर्बाद कर रहा है। नशे के सामान की बिक्री और सौदागरों की भनक पुलिस प्रशासन को होने के बावजूद भी विभागीय अधिकारी कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति करते दिख रहे हैं, जिसका नतीजा है कि क्षेत्र में नशीले पदार्थों की गिरफ्त में देश की युवा पीढ़ी आती जा रही है। वहीं कुमायूं के DIG जगत राम जोशी नशे पे रोक लगाने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, लेकिन नशे का काला कारोबार रुकने की जगह बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। नशे का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। नशे के बारे में बताया गया इन सब लोगों के लिए कि लोगों को चिन्हित करें जो इस कारोबार में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करें, उनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई करें, उनकी हिस्ट्री शीट खोलें, और जो इन्होंने नशे के कारोबार से जो संपत्ति तैयार किया है वो उसको अटैच करवाने की कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट में उसको अटैच करवाने की कार्रवाई करें। जब तक नशा बांटने वाले कानून के शिकंजे में नहीं आएंगे, तब तक ये बचपन यूं ही बर्बाद होता रहेगा। बच्चों को रिहैब करने से कहीं ज्यादा जरूरी है नशे की बिक्री पे अंकुश लगाना।